हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज अभी हम आए हुए हैं एक मंदिर में जो कि अचलेश्वर बाबा का मंदिर है, और ये हमारे हर्षनपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। काफ़ी पॉपुलर मंदिर है इस क्षेत्र का, और अभी हम दर्शन करने आए हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ जो कि गौरव कौशल जी हैं, और दोनों लोग आए हुए हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरे से ये मंदिर, और काफ़ी टाइम बाद आए हुए हैं इस मंदिर में। काफ़ी प्यारा मंदिर है ये हमारे क्षेत्र का। तो अभी हम अचलेश्वर मंदिर के बाहर हैं, चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं अचलेश्वर बाबा जी का मंदिर। और ये देखिए लगा हुआ है। तो अभी हमारे साथ अचलेश्वर मंदिर के पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी, आपका नाम क्या है? जी सर, राम कुमार बाबा। तो आप अचलेश्वर मंदिर के बारे में कुछ बताइए यहाँ की। जी सर, यहाँ पे बहुत पुराना जंगल था पहले जी, और यहाँ पे कुछ गाय वाई आती थी जी, और तो यहाँ पे दूध ऑटोमेटिक जो है वो चढ़ता था जी। तो सर जो है इसको खोज की गई तो यहाँ पे शंकर जी की मूर्त आदिशक्ति निकली जी। तो यार रामा राजा के रियासत से जी, सबके सार्वजनिक से मंदिर यहाँ पे बना है, बनाया गया। हाँ। और कितना पुराना मंदिर होगा? जी सर, कम से कम 100 साल से ऊपर ही होगा जी। 100 साल पुराना ये मंदिर है जो कि रायबरेली जिले के अंदर बना हुआ जी है। जी सर, अचलेश्वर रामा रायबरेली। जी 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 सर। इस मंदिर परिसर में आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? हम सर, हमारे तो यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, 4थी पीढ़ी पे हम राम कुमार जी हैं। और जी सर जो है यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है जी, सबके सहयोग से, सबके सार्वजनिक से। और यहाँ पे मेला वगैरह कब कब लगता है? अचलेश्वर शिवरात्रि के साल हर साल शिवरात्रि में मेला भी लगता है। शिवरात्रि के अलावा भी लगता है किसी? नहीं, भी इतवार और बृहस्पतिवार को बाजार भी लगती है। अच्छा, बाजार लगती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको हम दिखाते हैं यहीं बगल में मंदिर के बना हुआ है एक कुआं, और इस कुएं में देखिए सबसे अच्छी बात है कि पानी नहीं है, ये पूरी तरह से पट चुका है। और यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं, और कुछ भी कहो, ठंडी का मौसम है तो हवा बड़ी ठंडी ठंडी लगती है। तो जैसा कि अभी हमने अचलेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आज है संडे।